बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबेल मलिक। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए जी, आज हम लेके आए हैं एक बड़ा ही मज़े का हैक आपके लिए और बड़ा ही यूज़फुल भी होगा। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए, ये है बलाई, ठीक है। और ये देसी जो हमारे घर में जो मिल्क आता है, फ्रेश मिल्क, हम उससे जो मलाई उतारते हैं वो हमारे पास जमा हो जाती है या कभी हम उसको यूज़ नहीं करते तो फिर उसको आप लोग डिस्कार्ड करने से बहुत बेहतर है कि आप उसको एक किसी भी कंटेनर में, जैसे मैंने एक कंटेनर लिया और मैं इसको डालती जाती हूँ और उसमें फ्रीज़ करती जाती हूँ। जब मेरे पास एक कंटेनर फिल हो जाता है तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि उसको लेके और उससे देसी घी निकाल लेती हूँ। जिसका ये फ़ायदा है कि आप जो बाज़ार से देसी घी लाते हैं वो इतना एक्सपेंसिव तो होता है लेकिन उसकी वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती और इसके अलावा जो है वो प्रोसेस्ड होता है। तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आप लोग इस मलाई को वेस्ट करने के बजाय इसको इस तरह से एक कंटेनर में स्टोर कर लें, फ्रीज़ कर लें और फिर उससे अपनी मलाई को जो है वो यूज़ करके आप देसी घी निकालें। तो चलें जी, अपनी वीडियो को, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखें जी, इसके लिए सबसे पहले मैंने इसको ले लिया है और इसको मैंने निकाल के अराउंड 2 आवर्स पहले फ्रीज़र से रख लिया था ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अब मैंने यहाँ पे लिया एक पैन और ये सारी जो है वो मैं इसके अंदर डालूंगी और अब हम इसको मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है, अभी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि आपने फ्लेम को किस तरह से रखना है और इसकी स्टरिंग किस तरह से करनी है। तो चलिए जी, देखते जाएं। तो यहाँ पे जो ये बलाई, आप इसको देख सकते हैं, ये अच्छी तरीके से जो है वो मेल्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और इसमें आपने ये करना है कि आपने अपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, ठीक है। लाइक इट शुड बी स्लो और मीडियम, बस हाई फ्लेम तो आपने करना ही नहीं है वरना ये जो आपका पैन है, ये मलाई इसके सब नीचे लग जाएगी और जल जाएगी, फिर उसका वो जो जला सा टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता। आपने थोड़ी देर के लिए स्टरिंग करनी है, फिर आपने स्टॉप करना है, देन यू हैव टू डू इट अगेन। तो इसकी फाइनल रिजल्ट मैं आपको बताऊँगी, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इससे बहुत ही शानदार किस्म का जो घी है वो निकल के हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ हाफ एन आवर हो चुका है और हाफ एन आवर बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से ये जो है आप देख सकते हैं साइड पे ये जो घी है ये निकलना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्लेम को थोड़ा सा स्टार्ट में हाई रखा था, फिर बट अगर आप हाई रखेंगे तो आपकी जो स्टरिंग है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो अभी हम इसको स्लो हीट पे रखेंगे, मीडियम पे रखेंगे और इसमें अब रफली 10 मिनट्स जो है इतना टाइम बाकी रह गया। तो इसकी सिचुएशन मैं आपको दिखा रही हूँ और 10 मिनट्स के बाद इसकी फाइनल लुक के साथ फाइनल लुक जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो करते करते इसकी फाइनल लुक जो है वो आ चुकी है और इस टाइम पे आप देखें, आपने इसको ज़्यादा, इसका ये कलर ये ऐसे ब्राउन होना चाहिए, इसको आपने बर्न नहीं करना। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये जो है वो नीचे से लग जाएगा। अभी मैं आपको एम्प्टी करने के बाद दिखाऊंगी कि मेरे पैन में ये नीचे बिल्कुल भी नहीं लगा क्योंकि मैंने अपनी जो स्टरिंग है वो कंटिन्यूस रखी थी। तो चलिए जी, अब इसको स्ट्रेन करते हैं। आप इसको स्टोर करने के लिए जो है वो आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, प्लास्टिक के, ग्लास के, किसी भी चीज़ में जिसमें आपको आपका दिल चाहे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन करें और इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेनर मैंने इसीलिए रखा है कि मैं इसको आराम से स्ट्रेन कर दूँ। तब तक मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि आप ये देखें, ये बिल्कुल मेरा पैन नीचे से क्लियर है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप इसका ब्यूटीफुल सा जो कलर है माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं कि इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो हेल्दी। तो इसको अभी तो ये हॉट है, इसको लेटर ऑन में इसको थोड़ा सा ये टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो मैं इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर करूँगी और इन्जॉय करूँगी उसे। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। So till then, Allah Hafiz.